अपने उच्चायोग का इस्तेमाल जासूसी के लिए करने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार झटका दिया है। जासूसी गतिविधियों का अड्डा बन चुके पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 50% की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी दुर्गति कराकर भी भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी आदतों से मजबूर हैं। उन्हें किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ अभियान चलाना है। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां तो चला ही रहा है, उसके साथ साथ उच्चायोग का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इसके बारे में पहले चेतावनी दी और अब कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायोग के खिलाफ यह कार्रवाई पिछले दिनों की कुछ घटनाओं के कारण की। 31 मई को पाकिस्तान उच्चायोग के दो अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अधिकारियों और उनके एक ड्राइवर को जासूसी करते पकड़ा। इन दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें इन लोगों ने जासूसी की बात स्वीकार की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके उच्चायोग के कर्मचारी भारत में जासूसी करते हैं। भारत सरकार ने इन सभी को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अवांछित व्यक्ति करार दे दिया। साथ ही 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया। ये दोनों अधिकारी पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात थे। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान उच्चायोग को डिमार्श भी जारी किया है। पाकिस्तान उच्चायोग से भी कहा गया है कि वह सुनिश्चित कर ले कि उसके राजनयिक मिशन का कोई सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त न रहे या कोई ऐसा बर्ताव न करे जो उनके राजनयिक पद के अनुकूल न हो। दरअसल सूचना मिली थी कि पाकिस्तान उच्चायोग के आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर किसी व्यक्ति से गोपनीय दस्तावेज लेने करोलबाग पहुंच रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई और ड्राइवर जावेद को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया जब वे भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज के एवज में पैसा दे रहा था। इससे पहले इस तरह की घटना 2016 में हुई थी। पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की बात कबूल भी की, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या 50% घटाई जाएगी और साथ ही भारत भी पाकिस्तान के अपने उच्चायोग में कर्मचारी कम करेगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने उच्चायोग के माध्यम से भारत में न केवल जासूसी करता है बल्कि आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम देता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उसके किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।